हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, in three phase induction motor, in the last video so far we have discussed about the constructional features of three phase induction motor, jisme humne dekha tha ki there are primarily two parts of three phase induction motor. Number one is stator and number two is rotor. Also rotors are also of two types, one is squirrel cage and one is wound. Inke basis par hi hum three phase induction motors ko classify bhi karte hain. ठीक है, तो स्टेटर्स की अगर बात करें तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो स्टेटर है, स्टेटर के अंदर जो पार्ट लगा है, दीज दो आर द स्टेटर स्टैम्पिंग्स, जिसमें लैमिनेशंस के फॉर्म में उनको अंदर लगाया जाता है, राइट। जस्ट लेट मी शो द डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टेटर। स्टेटर में आप इसमें दिखाई दे रहा है हमें क्लियरली कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ को ये जो पार्ट्स लगे हैं, दीज आर द पार्ट्स जो लैमिनेशंस के फॉर्म में लगे हैं, और ये जो स्लॉट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द कंडक्टर्स वेयर स्टेटर वाइंडिंग लाइज, राइट। ये जो लैमिनेशंस हैं इनको भी हम थोड़ा इलेबोरेट करके देख सकते हैं थ्रू द डायग्राम। या हियर इट इज। सो इसका जो अंदर का पार्ट है उसको अगर हम बाहर निकाल के देखें तो इस तरह की लैमिनेशंस के फॉर्म में इसको बनाया जाता है। लैमिनेशंस हम यूजुअली यूज कर रहे हैं एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, और जो मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल इसका यूज किया गया है, दैट इज सिलिकॉन स्टील टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस, राइट। तो दिस इज हाउ दिस स्टेटर इज कंस्ट्रक्टेड। नाउ लेट अस सी हाउ द वाइंडिंग्स आर सिचुएटेड इनसाइड दीज स्लॉट्स। दिस इज द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्टेटर, जिसमें हम देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है हमें कि ये जो स्लॉट्स हैं इनमें वाइंडिंग्स को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है थ्री फेज वाइंडिंग को, कि वो या तो स्टेटर स्टार कनेक्टेड होंगी या तो डेल्टा कनेक्टेड होंगी, राइट। और इनको कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जब भी इन वाइंडिंग्स के थ्रू करंट फ्लो होता है, यानी कि स्टेटर के थ्रू जब हम टर्मिनल बॉक्स के थ्रू, ये जो टर्मिनल बॉक्स है ऊपर वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, दिस इज द टर्मिनल बॉक्स, जब हम इस टर्मिनल बॉक्स के थ्रू थ्री फेज सप्लाई यहाँ कनेक्ट करते हैं तो इन वाइंडिंग्स के थ्रू करंट फ्लो होता है, राइट। एंड व्हेन द करंट फ्लोस थ्रू दीज वाइंडिंग, अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होता है, राइट। तो कॉन्स्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसका रोटेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट रोटेशन डिपेंड्स अपॉन द synchronous speed, right? Synchronous speed, that is 120 f upon p. So whenever a current flows through these three phase windings, a constant rotating magnetic field develops, which depends on the synchronous speed. Yani ki jo rotation hai is rotating magnetic field ka, that is directly proportional to the synchronous speed. Iski jo speed of rotation hai, iska jo revolving speed hai, that depends on the synchronous speed here. Here in this picture, it is seen that ki ye jo clockwise direction mein hume dikhai de raha hai white color se, this is the rotating magnetic field, right? Jaisa humne upar wale diagram mein show kiya hai ki jisme jo windings hai wo connected hai, aur connect hone ke baad jab current isme se flow hoga to rotating magnetic field clockwise direction mein rotate hota hai. Ye humne kal bhi dekha tha jab derivation humne kiya tha ki clockwise direction mein aapka rotating field develop hota hai jab aapka phase sequence hai RYB, या फिर 1 2 3, जिस भी टर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो हमारा जो फेज सीक्वेंस है वो RYB है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फेज सीक्वेंस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज रोटर, राइट। रोटर में भी एक सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड कोर होता है, अगेन हियर यू कैन सी दीज आर द लेमिनेशन जिनके हेल्प से हमने रोटर के इनसाइड स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्टेटर, स्टेटर के अंदर रोटर को बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ लेमिनेशंस, राइट। लेमिनेशंस का अगेन यूज यहाँ पर जो हो रहा है वो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। इन दिस रोटर स्ट्रक्चर वी हैव पैरेलल स्लॉट्स, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दीज लेमिनेशंस हमने रोटर को क्रिएट किया है। दिस इज द रोटर, हियर कंबाइंड रोटर हम देख सकते हैं,
उसके बाद जो पैरेलल स्लॉट्स हैं उन पैरेलल स्लॉट्स में कंडक्टर्स को प्लेस किया गया. दीज आर द कंडक्टर्स. हियर यू कैन सी कंडक्टर्स को हम क्लियरली देख सकते हैं. दीज कंडक्टर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम बार्स. ये एक सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम और कॉपर के, जिनको एंड रिंग्स की हेल्प से शॉर्ट किया जाता है. दिस इज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द एंड रिंग्स. ये एंड रिंग्स हैं यहाँ पर राइट, जिनकी हेल्प से हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है. उसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेटर के अंदर हम प्लेस करते हैं. इसका मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करता हूं. सो फाइनली द स्ट्रक्चर लुक लाइक दिस. इट इज क्लियरली सीन हियर कि हमारे पास स्टेटर हो गया, बाहर वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हमें, दिस इज द स्टेटर. उसके बाद उसके अंदर हमने जो रोटर को प्लेस किया है, रोटर के अंदर बार्स क्लियरली नजर आ रहे हैं और एंड रिंग से उनको हमने शॉर्ट किया हुआ है. एंड दिस इज द शाफ्ट हियर. ये हमारा शाफ्ट है राइट. तो स्टेटर के अंदर जो रोटर पार्ट है वो स्टेशनरी होगा राइट. उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं है, कोई भी करंट कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वोल्टेज कनेक्टेड नहीं है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रोटर कंडक्टर्स के साथ कनेक्शन नहीं होता है. तो होता क्या है यहाँ पे, जब भी हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर पे लगाते हैं हमें पता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेगा राइट. एंड चूंकि रोटर कंडक्टर स्टेशनरी है राइट, तो रिमेम्बर वन थिंग, यहाँ पर आपको एक चीज याद आ रही होगी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो और कंडक्टर स्टेशनरी हो तो वहां पर बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द फ्लक्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से एक ईएमएफ जनरेट होता है. उस ईएमएफ की वजह से कंडक्टर्स में यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है राइट. क्योंकि कंडक्टर स्टेशनरी थे, रोटर नहीं घूम रहा है इनिशियली, जैसे ही हमने सप्लाई दी स्टेटर कंडक्टर स्टेटर वाइंडिंग्स में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट हो रहा है. रोटर के अंदर अगर चले तो रोटर स्टेशनरी है, कंडक्टर्स पे कोई मूवमेंट नहीं है. तो इनिशियली होता क्या है कि जैसे ही हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर्स को कट करना शुरू किया, कंडक्टर्स के अंदर, ये रोटर कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. नाउ आफ्टर दैट व्हेन रोटर कंडक्टर्स कैरीज द करंट इट विल रिएक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड. नाउ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल है स्टेटर स्टेटर फील्ड में, स्टेटर वाइंडिंग्स के अंदर, तो जो करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करते हैं राइट. नाउ अगेन वी रिमेम्बर वन मोर प्रिंसिपल हियर जो कहता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाता है तो वहां पर एक मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है जिसको हम टॉर्क कहते हैं. So that is the same thing happening here. Current carrying conductors है, rotor के अंदर current place हो चुका है. उसके बाद ये current carrying conductor जब magnetic field के साथ react करेंगे तो इन conductors के ऊपर एक mechanical force work करना शुरू कर देता है जो conductors को rotate करने की कोशिश करता है. Now since your stator field is rotating with the synchronous speed, so your rotor will also try to follow the same speed. रोटर फॉलो करने की कोशिश करता है. रोटर इज जस्ट ए फॉलोअर हियर राइट. तो रोटर अपनी स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड के बराबर ले जाने की कोशिश करता है. नाउ लेट अस से कि जो स्टेटर है, स्टेटर का जो फील्ड है दैट इज रोटेटिंग ऑन द सिंक्रोनस स्पीड. रोटर की जो स्पीड है लेट अस कॉल इट एन आर राइट. दिस इज एन एस. स्टेटर का जो फील्ड है वो रोटेट हो रहा है एन एस स्पीड पे. रोटर जो अपनी स्पीड मेंटेन कर रहा है वो है एन आर. Let us say कि रोटर ने अपनी स्पीड इतनी क्रिएट कर ली कि वो ns के बराबर हो गया. जैसे ही ns और nr both must will become equal. जैसे ही दोनों इक्वल हुए वैसे ही क्या होगा, दोनों के बीच का जो स्पीड का डिफरेंस है, रिलेटिव स्पीड है, that will become equals to zero. यानी कि ns minus nr will become equals to zero. And as soon as ns minus nr will become equals to zero, तो दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स कट कर रहा था, फ्लक्स लिंकेज हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा. एंड जो फैराडेज लॉ है वो फेल हो जाता है तुरंत राइट. एंड एज सून एज फैराडेज लॉ विल फेल देयर विल बी नो करंट इनसाइड द कंडक्टर्स. एंड इफ देयर इज नो करंट इनसाइड द कंडक्टर्स देयर विल बी नो टॉर्क इन द मोटर राइट. तो जैसे ही आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करता है उसी समय क्या होता है, उसी समय कंडक्टर्स में से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और मोटर डिसलरेट करता है. ठीक है, मोटर क्या करता है, डिसलरेट. डिसलरेट मतलब अपनी स्पीड को कम कर देता है. नेचुरली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि जैसे ही उसकी पावर खत्म हुई, जैसे ही उसका टॉर्क खत्म हो गया वैसे ही उसकी स्पीड धीमी पड़ जाएगी. और जैसे ही मोटर की स्पीड धीमी पड़ी वैसे ही ns minus nr will become greater than zero. एंड जैसे ही ns minus nr will become greater than zero क्या होगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर से करंट प्रोड्यूस होगा कंडक्टर्स में.
फिर से टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और रोटर अपनी स्पीड को वापस से पिकअप करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो ये डिसेलरेशन और एक्सेलरेशन होता रहता है, लेकिन उस ड्यूरेशन में, उस प्रोसेस में कभी भी आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता, राइट? क्योंकि जैसे ही वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करता है, रोटर कंडक्टर्स के थ्रू करंट फ्लो होना बंद हो जाता है और टॉर्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और मशीन इमीडिएटली स्टॉप होने की तरफ चलने लगती है। लेकिन जैसे ही वहां पर हमारा डिफरेंस क्रिएट होता है, वापस से सारी प्रोसेस इनिशिएट होके मोटर को वापस से एक्सेलरेट कर देती है। सो दिस इज द ओनली रीजन कि व्हाई इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड। इसी कारण से इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल में दोनों लॉज हमें यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी काम कर रहा है, दूसरा जो फ्लेमिंग्स रूल है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है, राइट? दोनों लॉज यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन दोनों की हेल्प से यहाँ पर ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है, टॉर्क भी प्रोड्यूस हो रहा है और आपका जो रोटर है वो रोटेट कर रहा है विद स्लाइटली लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है? ऑल्सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ये रोटर है वो दो टाइप का होता है, एक वाउंड रोटर और एक स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज में तो यहाँ एंडिंग्स लगा के कंडक्टर्स को डायरेक्टली शॉर्ट कर देते हैं, बट इन केस ऑफ वाउंड रोटर वी कनेक्ट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू दीज कंडक्टर्स। तो दोनों ही केस में सर्किट रोटर का कंप्लीट है, और सर्किट कंप्लीट है तभी दोनों के दोनों ही केसेस में रोटर कंडक्टर्स के थ्रू करंट फ्लो करता है, जिससे ही सर्किट कंप्लीट होता है और आपका ये जो फंक्शनिंग है मोटर का वो स्मूथली चलता रहता है, राइट? तो बोथ दिस वर्किंग प्रिंसिपल वर्क्स फॉर बोथ टाइप ऑफ मोटर, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन बोथ टाइप, बोथ दीज टू टाइप्स ऑफ रोटर्स। नाउ एक और चीज यहाँ पर समझने की है कि जब इंडक्शन मोटर नो लोड पर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो जैसे ही हम एक इंडक्शन मोटर को नो लोड कंडीशन में रन करते हैं तो इमीडिएटली आपका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर या नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो उस केस में नो लोड स्पीड में क्या होगा, नो लोड कंडीशन में एनएस माइनस एनआर विल बी वेरी वेरी लेस, राइट? क्योंकि नो लोड पर आपका मोटर काम कर रहा है, कोई भी लोड मोटर के ऊपर नहीं है, तो उसका जो रोटर घूमेगा वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पर घूमने की कोशिश करेगा, राइट? तो इन दैट केस द डिफरेंस इन द स्पीड एनएस माइनस एनआर विल बी वेरी वेरी लेस, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस जो फ्लक्स लिंकेज है वो भी कम होगा, और फ्लक्स लिंकेज कम होने के कारण ईएमएफ जो भी इंड्यूस हो रहा है रोटर कंडक्टर्स में, दैट विल हैव very very less value with less frequency, because there is the difference in speed is very very less, right? For that reason jo torque production hai machine ke andar wo sirf utna hi hoga jo machine ke internal losses ko reduce kar sake, unko supply kar sake, right? Kyunki definitely motor jab run karti hai bina kisi load pe to wahan par losses hote hain, like friction losses zarur honge wahan par, windage losses zarur honge wahan par, तो उन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए, उन लॉसेस के बराबर पावर सप्लाई करने के लिए जो टॉर्क प्रोडक्शन है नो लोड कंडीशन में वो यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्पीड इज लेस, राइट? नाउ इमेजिन कि इंडक्शन मोटर पे हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है? लोड कनेक्ट करते ही जो रोटर की स्पीड है वो डिक्रीज होगी, जैसे उस पर लोड कनेक्ट होगा रोटर एक कुछ इंस्टेंट के लिए अपनी स्पीड को डिक्रीज करेगा, और जैसे ही स्पीड डिक्रीज होगी उसी पर्टिकुलर मोमेंट पर क्या होगा, एनएस माइनस एनआर विल इंक्रीज, ठीक है? इन दैट केस एनएस माइनस एनआर विल इंक्रीज, सो एनएस माइनस एनआर इंक्रीज होने से ईएमएफ इंक्रीज होगा, और ईएमएफ इंक्रीज होने से जो रोटर कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज होगा, और रोटर कंडक्टर के इंक्रीज होने से टॉर्क प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, वो एग्जैक्टली उतना टॉर्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा जितना कि लोड टॉर्क को सप्लाई करने के काम में आएगा, क्योंकि इनिशियली जब नो लोड पर मोटर है उसमें टॉर्क इतना नहीं होता कि वो लोडेड मोटर को भी पिकअप कर सके, तो इन दैट केस मोटर को एडिशनल टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर हमने लोड टॉर्क को कनेक्ट किया है, और एडिशनल टॉर्क की जो रिक्वायरमेंट है वो रोटर अपनी स्पीड को स्लो डाउन करके पूरा करेगा। जैसे ही टॉर्क प्रोडक्शन उतना हो जाएगा जितना लोड टॉर्क को जरूरत है, रोटर अपनी स्पीड को मैनेज करके स्लाइटली एक लेवल पर आ जाएगा, और उतनी स्पीड पर कंसिस्टेंटली रोटेट करता रहेगा जितनी स्पीड पर उसको वो टॉर्क मिलता रहे जितना लोड चलाने के लिए सफिशियंट है, ठीक है? तो इस तरह से मोटर अपने आप को स्पीड को एडजस्ट करते हुए टॉर्क को प्रोड्यूस करता रहता है, राइट?
नाउ ये जो फॉल इन स्पीड है व्हेन वी कनेक्ट ए लोड टू द मोटर, ये डिपेंड करता है कि कितनी साइज का हमारे पास मशीन है। अगर हम स्मॉल और मीडियम साइज इंडक्शन मोटर्स की बात करें तो द फॉल ऑफ स्पीड कैन गो अप टू 4-5%, ठीक है, 4-5% ऑफ द नो लोड स्पीड। और अगर हम लार्ज रेटेड मशीन्स की बात करें, लार्ज मोटर्स की बात करें, तो इन दैट केस इट मे बी 2-2.5%, यानी कि द फॉल इन स्पीड इज लेस इन केस ऑफ लार्ज मशीन्स एंड ग्रेटर इन केस ऑफ स्मॉल और मीडियम टाइप ऑफ मशीन्स, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो फंक्शनिंग है मोटर की वो चल रही है, ऑटोमेटिकली अपने आप को वो एडजस्ट करता है, एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने डीसी मोटर में भी देखा था कि वहां पर भी इसी तरह का फंक्शन होता है जब मोटर अपने आप को एडजस्ट करता है, यानी कि सेल्फ रेगुलेट करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोटर सेल्फ रेगुलेट्स इटसेल्फ, ठीक है। नाउ अगर आपको मोटर कोर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना हो, जैसे इन दिस केस यू सी की फेज सीक्वेंस हमने RYB रखा है या 1-2-3 रखा है, तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और इसी डायरेक्शन में रोटर का भी मूवमेंट होता है क्योंकि रोटर जस्ट फॉलोज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हियर, राइट। तो टू जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटर वी हैव टू रिवर्स दिस फील्ड, इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए यस्टरडे इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन कि जब भी हम दो फेजेस को रिवर्स करते हैं तो उस केस में जो रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है, राइट। तो इफ यू वांट टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर, हमें क्या करना होगा, फील्ड को रिवर्स करना होगा, और फील्ड को रिवर्स करने के लिए वी हैव टू इंटरचेंज एनी टू फेजेस, कोई भी दो फेजेस को इंटरचेंज कर देंगे हमारा फेज सिक्वेंस चेंज हो जाएगा, और उसके चेंज होने से आपका जो रोटर का डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस ओनली वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इफ इट इज रिक्वायर्ड। सो अभी हमने जो चीजें स्टडी की हैं उसमें ये कंक्लूजन हमने निकाला है कि जो रोटर स्पीड है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो सकती, राइट। आइडियली वी कैन इमेजिन कि ऐसा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इन प्रैक्टिकल कंडीशंस देयर आर सम लॉसेस इन मशीन, सो उन लॉसेस की हेल्प से ही जो रोटर की स्पीड है वो हमेशा स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड बनी रहती है, राइट। तो यहाँ पर हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लिप, ठीक है। स्लिप बेसिकली एक वो टर्म है जो सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल रोटर स्पीड के डिफरेंस को डिनोट करता है, राइट। द डेफिनेशन ऑफ द स्लिप इज दैट की द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड, जो कि स्टेटर फील्ड की रोटेटिंग स्पीड है, एंड द रोटर स्पीड इज कॉल्ड द स्लिप, राइट। दिस ns माइनस nr इज कॉल्ड द स्लिप, और इसको हम परसेंटेज में डिनोट करते हैं, तो इन परसेंटेज दिस विल बी इक्वल्स टू ns माइनस nr अपॉन ns मल्टीप्लाइड विद 100, दिस इज कॉल्ड द percentage of slip, it is denoted by capital S, right? So this is very very important in this case, क्योंकि इस slip से ही हमें पता चलता है कि कितना percentage of speed drop होगा जब motor को हम loaded करेंगे, load करने के बाद rotor की actual speed कितनी आएगी, तब हमें उसी से यहाँ पर पता चलने वाला है, ठीक है। तो इस particular term में अगर ns minus nr को देखें, तो this ns minus nr is basically called the slip speed. इसको स्लिप स्पीड के नाम से हम डिनोट करते हैं, ns इज सिंक्रोनस स्पीड, nr इज द रोटर स्पीड, राइट। जब आपका रोटर स्टेशनरी होता है, यानी कि nr का वैल्यू जीरो होता है, तो उस कंडीशन में परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना होता है, दैट इज 100%, और इन पर यूनिट s इज इक्वल्स टू 1, राइट। किस केस में, जब रोटर स्टेशनरी है, दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन रोटर इज स्टेशनरी। सेकंड केस, जब आपका रोटर ns के बराबर रोटेट करे, लेट अस से कि nr इज इक्वल्स टू ns, तो व्हेन nr इज इक्वल्स टू ns देन परसेंटेज ऑफ स्लिप इज इक्वल्स टू 0 और s इज आल्सो इक्वल्स टू 0, राइट। तो जनरली जो स्लिप का वैल्यू है किसी भी एक इंडक्शन मोटर के लिए, नो लोड से फुल लोड पर जाने के लिए जो रोटर का स्लिप आता है, दैट वेरीज इन बिटवीन 0.1% to 3%, ठीक है। ये एक जनरल स्लिप का वैल्यू है जो एक इंडक्शन मोटर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 0.1% to 3% इज ए वेरी वेरी लेस। 3% का मतलब है कि अगर ns इज इक्वल्स टू 1500 rpm,
ठीक है, 1500 आरपीएम कहां से आया, ये आया है ns equals to 120 f upon p, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 हर्ट्ज और लेट अस से नंबर ऑफ पोल्स आर 6 4 हियर, तो दिस इज 1500 आरपीएम। तो अगर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर 1500 आरपीएम पर हमारा जो स्टेटर फील्ड है वो रोटेट कर रहा है राइट, तो nr शुड बी इक्वल्स टू लेस देन मैक्सिमम 3% हियर, तो 1500 का 3% कितना होगा, 1500 का 3% 45 होता है, तो 1500 माइनस ऑफ 1500 इनटू 3 अपॉन 100 राइट, दैट बिकम्स 45 एंड दिस बिकम इक्वल्स टू 1455 ऑफ आरपीएम। तो दिस इज द रोटर स्पीड व्हेन वी टेक द स्लिप एज 3% राइट। तो इसी वजह से क्योंकि स्लिप बहुत कम है, जो डिफरेंस है नो लोड टू फुल लोड में वो बहुत कम है, तो इसी वजह से इंडक्शन मोटर इज ट्रीटेड टू बी ए कॉन्स्टेंट रनिंग मशीन, कॉन्स्टेंट रनिंग मशीन। ठीक है, नाउ लेट अस सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर वोल्टेज एंड करेंट्स, जो रोटर पे वोल्टेज और करेंट डेवलप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये हमें यहां पर देखना है। ठीक है, सो अगर स्टेटर की बात करें, स्टेटर साइड पर हमने सप्लाई कनेक्ट की है और उस सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है दैट कैन बी गिवन एज पी एन एस अपॉन 120। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है पी इंटू एन एस अपॉन 120 ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। नाउ इन केस ऑफ रोटर, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है डिफरेंस ऑफ द स्पीड पर, किस किस की स्पीड पर, जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस है यानी कि जो स्लिप स्पीड है उसके ऊपर रोटर की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। इसीलिए द रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर कैन बी गिवन एज पी अपॉन 120 इंटू एन एस माइनस ऑफ एन आर राइट। सो लेट अस डिवाइड एफ आर अपॉन एफ, लेट सी वॉट वी गेट, पी अपॉन 120 इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन पी अपॉन 120 इंटू एन एस, तो पी अपॉन 120 से पी अपॉन 120 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास मिला एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस और 1 माइनस एन आर अपॉन एन एस राइट, ये वैल्यू हमें यहां पर मिलती है। एंड चूंकि वी नो दैट कि एस इज इक्वल्स टू होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, सो वी कैन से कि एफ आर अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एस और एफ आर इज इक्वल्स टू एस इंटू एफ, यानी कि जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लिप एंड द सप्लाई फ्रीक्वेंसी राइट। रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, यहां से जो कंक्लूजन निकला है वो है रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू द पर यूनिट स्लिप मल्टीप्लाइड विद द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द कंक्लूजन हियर। तो इन दैट केस व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, यानी कि अगर एनआर की वैल्यू जीरो है तो इन दैट केस स्लिप कितना होता है, स्लिप हो जाता है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड एफआर विल बिकम इक्वल्स टू एफ। तो ड्यूरिंग दैट कंडीशन व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग रोटर फ्रीक्वेंसी और स्टेटर फ्रीक्वेंसी बोथ इज इक्वल टू ईच अदर। ऑल्सो व्हेन एनआर इज इक्वल्स टू एनएस, ये तब हो सकता है जब हम मोटर को एडिशनल पावर देके, एडिशनल फोर्स देके उसकी स्पीड को बढ़ा के एनएस के बराबर लेकर आ जाए, तो इन दैट केस एस बिकम इक्वल्स टू एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस विल बिकम इक्वल्स टू जीरो एंड एफआर विल बिकम इक्वल्स टू जीरो। सो आपका जो रोटर फ्रीक्वेंसी है दैट वेरीज इन बिटवीन जीरो टू एफ, सप्लाई फ्रीक्वेंसी और जीरो के बीच में इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो हमने अभी जस्ट कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए हैं, स्मॉल फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि परसेंटेज ऑफ स्लिप का फॉर्मूला है, स्लिप स्पीड का फॉर्मूला है, उसके बाद स्टेटर की जो स्पीड है, स्टेटर फील्ड की जो स्पीड है वो कितनी होती है वो हमने डिस्कस किया, रोटर की स्पीड कितनी होती है वो हमने डिस्कस किया, साथ ही साथ जो रोटर का फ्रिक्वेंसी है वो कितना होता है और वॉट इज द रिलेशन ऑफ इट विद द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, ये भी हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो इन सबके बेसिस पे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में राइट। तो फॉर नाउ इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कंक्लूडिंग दिस वीडियो विद वर्किंग प्रिंसिपल, हमने डिस्कस किया कि हाउ
थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज रोटेटिंग। दूसरी चीज हमने डिस्कस की कि व्हाई इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन ऑन सिंक्रोनस स्पीड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है स्मॉल क्वेश्चन टाइप में कि क्यों इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं होती, या फिर सिंक्रोनस स्पीड पर अगर मोटर को चलाया जाए तो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन था वो डिस्कस किया है विद सम स्मॉल स्मॉल फॉर्मूलेज, राइट। तो इस वीडियो को देख के सारी चीजें समझते हुए हम न्यूमेरिकल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, जो कि हम अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।